इनके अलावा कल के दिन कुछ और कंपनियां फोकस पे रहेंगी, जिनमें खास तौर पर एएसएम की तरफ से बदलाव किया गया है। तो लॉन्ग टर्म का सर्कुलर है, 12 कंपनियों के कल स्टेज बदले जाएंगे, जिनमें से कुछ शेयरों के ऊपर खास तौर पर आपको नज़र रखनी, जिनमें न्यूलैंड लैब, मिक इलेक्ट्रॉनिक, पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्री, क्यूपिड लिमिटेड, GRP, KPI ग्रीन, राजू इंजीनियर और वारी रिन्यूअल टेक्नोलॉजी। तो इन कंपनियों को एक एक स्टेज राहत दी गई है, इनको स्टेज 4 से निकालकर स्टेज 3 में डाल दिया गया, तो अच्छी खबर है इनके लिए। इनके अलावा 19 कंपनी बाहर निकली हैं लॉन्ग टर्म के ASM से, जिनमें से कुछ कंपनियों के ऊपर ही आपको नज़र रखनी, जैसे आहा सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रख सकते हैं, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, इनके अलावा इरोज इंटरनेशनल मीडिया, ज्योति CNC ऑटोमेशन, ऑर्गेनिक कोटिंग, राधे डेवलपर इंडिया, इनके ऊपर फोकस रख सकते हैं। दोस्तों आपको पता है ASM की लिस्ट में सरकारी कंपनियां जिनमें इरेडा, RBNL समेत कई सारे शेयर हैं, कोचिन शिपयार्ड का नाम है। तो ये स्टॉक ASM से कब बाहर निकलेंगे इसको लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पेज पर जाकर उसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।